तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सर्जन कैसे बने। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। आपको आपकी पढ़ाई से लेकर सर्जन बनने तक का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। तो आए दोस्तों, एक एक करके जानते हैं कि सर्जन कैसे बने। सर्जन बनने के लिए आपको कौन कौन सी पढ़ाई करनी होगी, कौन सा कोर्स करना होगा, किस तरह से आप एक सर्जन बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सर्जन बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत से कोर्स करने होते हैं, और आपको पढ़ाई से लेकर भी जो कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, किस तरह से आपको अपनी पढ़ाई के मुताबिक सब्जेक्ट लेने होंगे, यह सभी जानकारी हम आपको अपनी वीडियो में देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सर्जन बनना चाहते हैं तो आपको बहुत सी जानकारी जानना होगी। आपको सर्जन के नाम से पता तो चल गया होगा कौन होते हैं जो ऑपरेशन करते हैं, और यह बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक सर्जन के हाथ में होती है। तो दोस्तों, आपको इनका काम सुनकर पता तो लग गया ही होगा कि आपको कितनी मेहनत करनी होगी एक सर्जन बनने के लिए। तो दोस्तों, आपको अगर और जानकारी जाननी है तो हम आपको अपनी वीडियो में लेकर चलते हैं। आइए दोस्तों, हम आपको एक एक करके पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे कि सर्जन बनने के लिए आपको किन किन चीज़ों को अपनाना होता है। तो आइए, चलिए दोस्तों, आपको अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सकती है। और दोस्तों, हम आपसे उम्मीद करेंगे वीडियो को स्किप करके ना देखें। वीडियो को स्किप करके देखने से आपको भी कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आएंगे, जिसकी वजह से आपको जानकारी पूरी नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को आखिर तक बने रहें। हम आपको ऐसे ही सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर करवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ में आवेदन करते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। बिना जानकारी जाने आप आवेदन कर लेते हैं तो आप इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आइए मैं आपको लेकर चलते हूँ हमारी वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आइए, चलिए दोस्तों, जानते हैं कि सर्जन कैसे बने, सर्जन डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। एक सर्जन एक चिकित्सा पेशेवर होता है। सर्जन कैसे बने, जिसके पास एक चिकित्सा डिग्री होती है जिसमें विशेष अंगों या प्रक्रियाओं की विशेषता शामिल होती है, उनका प्राथमिक कार्य रोगों के शारीरिक के आक्रमण और आंतरिक संचालन करना है, जो बीमारी को चोट से उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं को ठीक करता है। वे रोगग्रस्त हृदय पर ऑपरेशन कर सकते हैं, ब्रेन ट्यूमर का एक्सरसाइज कर सकते हैं, या कई अन्य प्रकार की प्रक्रिया के बीच पूरी बुरी तरह से टूटी हड्डियों को मरम्मत कर सकते हैं। इन नाजुक ऑपरेशनों को करने के लिए वे अत्याधिक तकनीकी नैदानिक और जानकारी, साथ में सटीक ऑपरेशन और उपकरणों पर भरोसा करते हैं। सर्जन नियमित शारीरिक परीक्षाओं के लिए अन्य कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, जो आम नियमित शारीरिक और परीक्षा या अन्य कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं जो आम तौर पर सामान्य चिकित्साओं को सौंपे जाते हैं। हालांकि वे मरीजों के साथ काम करते हैं, सर्जन अपनी प्रक्रियाओं से पहले रोगियों के साथ परामर्श प्रदान करते हैं, हालांकि और उनके कर्मचारी और या संदर्भित पेशेवर रोगियों से नैदानिक डाटा ले सकते हैं। ऑपरेशन शुरू होने पर सर्वोत्तम तरीके से आगे बढ़ने का तरीका निर्धारित करने के लिए सर्जन डेटा और इमर्जरी और समीक्षा और विश्लेषण करेगा। तो दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं हमारे आगे की जानकारी की तरफ। तो आइए, चलिए दोस्तों, सर्जन बनने की योग्यता। यदि आप सर्जन बनने की इच्छा रखते हैं तो आपको MCI द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से MBBS की डिग्री प्राप्त करनी होगी। उसके बाद सर्जन के अभ्यास करने के लिए जनरल सर्जरी में MS डिग्री की आवश्यकता होती है। किसी भी विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए MCI द्वारा अनुमोदित किसी भी संस्थान में MSc की डिग्री की आवश्यकता होती है। MCH मास्टर ऑफ सर्जिकल है
और सर्जरी के लिए एक सुपर स्पेशलिटी कोर्स की इसकी अवधि 3 वर्ष है और MCH उम्मीदवार सर्जिकल प्रक्रियाओं में भी भाग लेते हैं और MCH करने वाले सभी उम्मीदवार परीक्षण अवधि के दौरान पूर्णकालिक निवासियों के रूप में काम करते हैं। इससे किसी भी विषय में किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोथोरिक, सिक और यूरोलॉजी आदि। मूल योग्यता मानदंड। एक डॉक्टर सर्जन बनने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए? MBBS करने के लिए आपको भौतिक रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान MBBS करने के लिए यह सभी कोर्स होने चाहिए। कम से कम इसमें 60% के साथ 12th उत्तीर्ण होनी चाहिए। उसके बाद आपको नेट के लिए उपस्थित होना होगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा है। जीपमर और एम्स जैसे अन्य विश्वविद्यालय अपने प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं। नेट क्लियर करने के बाद आपको अपने रैंकिंग के अनुसार कॉलेज मिलेगा। MBBS और कम से कम 1 साल की इंटर्नशिप पूरी करने के बाद आप MS जर्नल में अपना स्कूल में प्रवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही जानकारी जानने के लिए हम आपको अपने वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेकर चलते हैं और हम आपको एक एक करके बताएंगे कि आप एक सर्जन कैसे बन सकते हैं, सर्जन बनने के लिए आपको और क्या क्या करना होता है। हमने आपको इस पॉइंट में बहुत सी जानकारी दी है कि एक सर्जन बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, किस तरह से आप एक सर्जन बन सकते हैं। ऐसे ही आगे जानकारी जानने के लिए आप हमारी वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। हम आपको एक एक करके सभी पॉइंट अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों आपको लेकर हमारे वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और जानते हैं कि सर्जन के और क्या क्या कार्य होते हैं, एक सर्जन बनने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है। तो चलते हैं दोस्तों आगे सभी पॉइंट की जानकारी लेने के लिए हम अपनी वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो आइए चलिए दोस्तों जानते हैं कि एक सर्जन क्या करता है। दिन प्रतिदिन के आधार पर आपके सर्जिकल अभ्यास में आपके कार्यालय के सर्जरी की तैयारी में काफ़ी समय लगेगा। आप रोगियों के साथ परामर्श करने के लिए प्रति सप्ताह कई घंटे बिता सकते हैं ताकि उनके मामले पर चर्चा की जा सके और सर्जरी में उन्हें क्या उम्मीद करनी है, आप संभावित परिणामों, सफलताओं की संभावनाओं के साथ साथ व्यावहारिक मामले जैसे कि सर्जरी से पहले कितना खाना चाहिए या नहीं पर चर्चा कर सकते हैं। आप अन्य डॉक्टरों के परामर्श से अच्छा समय बिता सकते हैं जिन्होंने आपके कैलोरी के रोगियों का काम किया है। यह पृष्ठभूमि जानकारी आपको उन विवरणों के उजागर करने में मदद कर सकती है जो उनकी शल्य चिकित्सा देखभाल से संबंधित है। आपको अपने विशेष क्षेत्र में अन्य सर्जन के साथ मामलों पर चर्चा करने या विभिन्न सर्जिकल तकनीकों का अध्ययन करने की आवश्यकता हो सकती है जो आगामी ऑपरेशन के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। आपको समकालीन सर्जिकल तकनीकों जैसे इमेजिंग सिस्टम, नेटोक्लोजी और अन्य रोमांचक चिकित्सा प्रगति के साथ वर्तमान में रहने की आवश्यकता है। बाद में अपने करियर में आप सर्जिकल रेजिडेंस के साथ काम कर सकते हैं, नवोदित पेशेवर जैसे आप अभी हैं। एक संरक्षक के रूप में आपकी भूमिका उनके लिए अमूल्य होगी क्योंकि वे अन्य आपके द्वारा प्रकाशित पत्रों या कुछ सर्जिकल तकनीकों में आपके ज्ञान को आधार पर ही तलाश करेंगे। तो आइए दोस्तों ऐसे ही आगे की जानकारी की तरफ चलते हैं। हम आपको एक एक करके सभी पॉइंट अपने वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए, हम आपको और जानकारी देने के लिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आइए चलिए दोस्तों जानते हैं कि सर्जन करियर और वेतन कितना दिया जाता है।
आप कहाँ काम कर सकते हैं। सर्जन अक्सर एक अस्पताल से संबद्ध होते हैं जिसमें उनका सर्जिकल थिएटर होता है। अस्पताल के अंदर या आसपास आपके अपने कार्यालय हो सकते हैं, लेकिन आपके नियोक्ता के अस्पताल ही होने की संभावना है। दूसरी ओर आप एक निजी शल्य चिकित्सा अभ्यास कर सकते हैं। यह उन सर्जनों के लिए अधिक सामान्य है जो आउट पेशेंट प्रक्रिया करते हैं। ओरल सर्जन, प्लास्टिक सर्जन और नेत्र चिकित्साओं के पास अक्सर स्टैंड ओलन कार्यालय होते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट जानकारी की तरफ। तो आइए चलिए दोस्तों जानते हैं सर्जन की सैलरी, ऑक्यूपेशन, एंट्री लेवल, मिड करियर, लेट करियर, क्रेडिट सर्जन 2,98,000 रुपये और 3,94,000 रुपये, 48,004 रुपये जनरल सर्जरी और 1,23,000 रुपये, 39,002 रुपये, 4,55,000 रुपये। नेहरो सर्जन की सैलरी 1,55,000 रुपये, 48,008 रुपये और 69,500 रुपये होती है। तो दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर जरूर करें। दोस्तों थैंक यू वॉचिंग फॉर।